नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रतन्स मॉम गार्डन। दोस्तों, ये मेरा मोगरा का पौधा है और आज मई की 13 तारीख हो गई है और ये इस बार का ये सेकंड ब्लूमिंग है। देखिए, बहुत सारे इसमें कली बनी है, बहुत ज़्यादा गुच्छे में ही बनी है। अभी कुछ दिन पहले ये फर्स्ट ब्लूमिंग हो चुकी है और ये तुरंत ही सेकेंड ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई। और दोस्तों, इसमें मैंने ऐसा क्या फर्टिलाइज़र डाला जिससे कि इतनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। देखिए, कलियाँ बनी है, हर एक ब्रांचेज में जो है कलियाँ बनी है और बहुत ज़्यादा बहुत ही हेल्दी प्लांट हो गया है। दोस्तों, वैसे ये मोगरा प्लांट जो है हैवी फीडर है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना होता है और इसको जो है फुल डे की सनलाइट में रखना है। जितनी ज़्यादा सनलाइट में ये रहेगा पौधा, उतनी ज़्यादा इसमें जो है फ्लावरिंग होगी, बडिंग होगी। और इसको जो है दोनों टाइम आप इसको पानी दीजिए। अगर आपने फुल डे की सनलाइट में इसको रखा है तो दोनों टाइम इसको पानी देना है, क्योंकि सोयल जो है इसमें मॉइस्ट रहना चाहिए। तो मैंने कल शाम को इसमें पानी दिया है, तो देखिए ये पूरा मॉइस्ट है, लेकिन दलदल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी मिट्टी इसमें तैयार करनी होगी जिससे जो है ये वेल ड्रेन सोयल हो, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके और मॉइस्ट रहे। सोयल जो है हमेशा मॉइस्ट रहे, यानी कि दोनों टाइम आप इसमें पानी दे सकते हैं और इसको फुल डे की सनलाइट में रखिए, तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी। और ये हैवी फीडर है तो इसको फर्टिलाइज़र भी देना होता है। हर 15 दिन में मैं इसमें ऐसा क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे कि इतनी अच्छी रिजल्ट मुझे मिली है, तो वही आज मैं शेयर कर रही हूँ कि वही फर्टिलाइज़र जो ईजीली घर में अवेलेबल है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम किचन में ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं रहता है किचन में यूज़ करने के बाद जो है, तो उसको आप अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर होता है। और दोस्तों, इसके लिए देखिए मैंने क्या लिया है, ये है प्याज के छिलके। प्याज हम लोग किचन में रोज़ एक दो बनाते ही हैं, सब्जी वगैरह बना के लिए, सैलड्स के लिए प्याज यूज़ करते हैं। जो ये इस ऊपर का ये जो छिलका होता है हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो यही है हमारे प्लांट्स के लिए अमृत, क्योंकि इसमें जो है फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कारगर होता है अपने ग्रोथ के लिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है मोगरा में पोटाश डालते हैं, क्योंकि पोटाश जो है फ्लावरिंग बूस्ट करता है, बूस्टर है, यानी कि फ्लावरिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पोटाश डाल सकते हैं। कोई भी पौधे में जो फ्लावरिंग है उसमें, पौधे हैं उसमें आप पोटाश डाल सकते हैं, लेकिन ये है फ्री का पोटाश। आप इसको घर में ही बना सकते हैं। ये बस प्याज के ऐसे छिलके हुए एक कंटेनर में डाल दीजिए और इसमें पानी डाल के आप इसे 24 आवर जो है ये पानी में ही ऐसे ही भीगा हुआ रहने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा मत रखिए, सिर्फ 24 आवर ही इसको रखिए। हाँ, विंटर में आप दो से तीन दिन आप कर सकते हैं। आप इसको जो है ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इकट्ठा करने के बाद इसको ग्राइंड कर दीजिए और जो है थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसका गुड़ाई करने के बाद जो है ये ड्राई फॉर्म में भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ड्राई फॉर्म में थोड़ा टाइम लगता है प्लांट को, क्योंकि ये डिकम्पोज होगा, उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को मिलेगा। ये है ईजी और ये बहुत ही जल्द इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट को मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक कंटेनर में डाल के इसको इतना पानी डालिए कि ये पूरा छिलका जो है भीग जाए। और देखिए, इसको जो है 24 आवर के लिए हमें इसको रख देना है, इसको ढक्कन बंद करके रख देना है, कहीं छांव में रख देना है, ताकि इसमें बहुत अच्छे से इसमें डिकम्पोजिशन हो और जितने भी ये छिलके का जो न्यूट्रिएंट्स है, पोटाश, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जितने भी है वो पानी में आ जाए। तो इस तरीके से आप इसको जो है 24 आवर के लिए रख दीजिए। दोस्तों, ये मैंने पहले से ही भिगो के रखा था, ये 24 आवर का है, इसमें मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसमें का कलर देखते हैं। ये देखिए इसका कलर,
जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी इस पानी में आ चुके हैं। आप चाहे तो इसको जो है आप फोलियज स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे करने में ये जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमाटा, वो ओपन हो जाता है, तो बहुत अच्छे से एयर सर्कुलेशन होता है और प्लांट फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, तो प्लांट्स जो है अपना खाना बहुत अच्छे से बनाता है, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी प्लांट्स के लीव्स जो है हमेशा आप क्लीन रखिए ताकि स्टोमेटा अपना वर्क करे, फोटोसिंथेसिस अच्छे से बन पाए। तो आप चाहे तो ये लिक्विड जो है आप इसमें जो है दोस्तों 1:1 का रेशियो बनाना है, यानी कि इसमें जो है जितना ये पानी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने लिया है इतना ही आप इसमें पानी मिक्स कर दीजिए। अब इसे आप चाहे तो फोलियज स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप अपने प्लांट्स में ऐसे डाल सकते हैं। तो जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, इतना ही दीजिए कि ये मिट्टी जो है एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो ड्रेन आउट हो जाएगा ड्रेनेज होल से, तो आपका ये फर्टिलाइज़र वेस्ट होगा। तो इस तरीके से जो है हर 15 दिन में मैं इसमें ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इससे देखिए इतना ज़्यादा जो है इसमें ब्लूमिंग हुई है। और दोस्तों एक और टिप आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही ब्लूमिंग हो चुकी है, जैसे इसमें देखिए ब्लूमिंग हो जाती है, तो ये ऊपर का पिंच कर दीजिए। पिंच करेंगे तो इसमें से जो है और भी ब्रांचेस बनना शुरू होंगे, जैसे ये देखिए और भी ब्रांचेस बनेंगे, और ब्रांच के टिप में ही फ्लावरिंग होती है। तो जितना ज़्यादा इसमें ब्रांच होंगे उतना ज़्यादा जो है इसमें बडिंग और फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।